अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि नाम से वाज़े है, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस प्रोग्राम में हम नबी पाक इस्लाम की जो लाइफ है, आपकी जो मुबारक ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी के सुबह शाम किस तरह गुजरते थे, उसमें से कुछ आपको बयान करते हैं। नबी पाक इस्लाम की जो प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं, उसमें से कुछ सुन्नतें आपको बयान करते हैं। और इसके अलावा कुछ एक्टिविटी भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती है और हमारी कोशिश होती है कि कुछ प्यारी प्यारी बातें आपको बताएं, कुछ प्यारी प्यारी बातें आपको सिखाएं। तो आपसे गुजारिश है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी नॉलेज में खूब खूब इजाफा होगा। आइए अपने प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करते हैं दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ भी हो नबी पाक पर दुरूद पढ़ो, इस अकीदे के साथ, इस जहन के साथ और इस ईमान के साथ कि मैं जहाँ भी हूँ दुरूद पढ़ रहा हूँ। मदीने वाले आका मदीने के अंदर मेरा दुरूद पाक सुन भी रहे हैं और हदीसों के मफहूम के मुताबिक उस सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। तो आइए मिलकर हम सब दुरूद पाक पढ़ते हैं। आप भी इस वक्त जहाँ से भी हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में, आप भी दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और सेगमेंट के जाने, जिसका नाम है कलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम है। और कसीदा बुर्दा शरीफ जो कि बच्चों का किड्स मदनी चैनल है, और जो बड़े हैं शायद वो भी ये कह सकेंगे कि हम अपने बचपन से ये कलाम सुनते आ रहे हैं। मौला या सल्लि वसल्लिम दाइमन अबादा, क्या खूबसूरत कलाम है। जब बंदा ये कलाम पढ़ता है, ये कसीदा पढ़ता है, तो यूँ कह लें कि एक एक कैफियत है वो तारी होती है, एक सुरूर की, एक मज़े की कैफियत है वो तारी होती है। अल्लाह पाक इसकी बरकतों से हम सबको भी हिस्सा अता फ़रमाए। और ये वो कसीदा है कि जिन्होंने ये कसीदा लिखा था ना, उनको ख्वाब में नबी पाक इस्लाम की ज़ियारत भी हुई, उनकी एक परेशानी थी, एक बीमारी थी, वो भी दूर हुई, और नबी पाक इस्लाम ने उनको ख्वाब में एक चादर अता फ़रमाई, एक चादर उनको गिफ्ट की। और वो गिफ्ट कब की थी? ख्वाब में। और जब उनकी आँख खुली तो रियल में वो चादर उनके करीब, उनके तकिया के पास मौजूद थी। ऐसा जी शान करम हुआ उनके ऊपर है। और इसीलिए इस कसीदे को आपने सुना ना, कसीदा बुर्दा कहते हैं। तो बुर्दा अरबी में कहते हैं चादर को। तो कसीदा बुर्दा का मतलब क्या हुआ? चादर वाला कसीदा। तो चूँकि वो हुजूर पाक ने उनको वो चादर अता फरमाई थी गिफ्ट के अंदर, और वो चादर जब वो उनकी आँख खुली तो वो उनके पास मौजूद भी थी, तो इसलिए इस कसीदे को कसीदा बुर्दा कहा जाता है। और फिर इन्होंने बीच में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी कुछ अशार पढ़े, सुबह तबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, तो वो अशार भी माशाल्लाह अली रज़ा भाई ने शामिल कर ली। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में भी बरकतें अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने पिछले चंद एपिसोड से नबी पाक इस्लाम के बचपन के बारे में सुन रहे हैं। जब नबी पाक इस्लाम का बचपन मुबारक था तो क्या खूबसूरत मौजज़ात का ज़ुहूर होता था, क्या ज़बरदस्त उस वक़्त के वाक़यात थे। कुछ बातें आज भी हैं, मैं बयान करूँगा, सुनेंगे आपको तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ बड़ा लुत्फ़ आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। प्यारे बच्चों, नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम की एक रज़ाई वालिदा जिन्होंने नबी पाक इस्लाम को दूध पिलाया, हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, ये नबी पाक इस्लाम की रज़ाई वालिदा हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ वाक़यात बयान किए हैं नबी पाक इस्लाम के बचपन के, तो उनमें से कुछ बातें आज आपको इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम बयान करेंगे। हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िदमत के लिए अपने गांव ले जाने लगी तो उस वक़्त एक सवारी पर सवार थी। अब चूँकि मैं थोड़ा सा इसको पीछे से लेकर आऊँगा कि पहले क्या होता था कि जो बच्चे होते थे ना, उनकी परवरिश के लिए गांव से, देहात से कुछ मर्द और ख़वातीन आते थे शहर के अंदर, और वो बच्चों को लेकर अपने देहात में चले जाते थे। वहीं बच्चों की फीड होती थी, वहीं पर बच्चे साल, 2 साल, 3 साल तक वहीं रहा करते थे। तो बच्चों की वहाँ पर यूँ कह लें कि जो देहात की ज़बान होती है वो ज़रा पुख्ता ज़बान होती है, ज़रा अच्छी ज़बान होती है, फिर वहाँ की आबो हवा अच्छी होती है, चीज़ें खालिश होती हैं। तो इसलिए बच्चों को परवरिश के लिए उस ज़माने में लोग गाँव देहातों के अंदर दाइयों के हवाले करके उनको भेज दिया करते थे। तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाह ताला अन्हा ये भी मक्का मुकर्रमा में आई और नबी पाक इस्लाम जो है वो इनके पास, इनको दिए गए, इन्होंने लिया। और फिर जब ये लेकर अपनी सवारी पर सवार हुई और सवारी पर सवार होकर जब जाने लगी तो मामला ये था कि जिस वक़्त ये मक्का शरीफ आ रही थी तो उस वक़्त जिस सवारी पर ये सवार थी वो सवारी बड़ी कमज़ोर थी, और कमज़ोर होने की वजह से दीगर काफ़िले के लोग आगे आगे चले जाते थे और इनकी सवारी पीछे ले जाया करती, क्योंकि ज़ाहिर है वो सवारी कमज़ोर थी, वो फास्ट नहीं चल पा रही थी, वो तेज़ वो सवारी नहीं चल पा रही थी, और इन ये पीछे पीछे रह जाती, काफ़िला आगे आगे चले जाता। लेकिन जब इन्होंने नबी पाक इस्लाम को लिया और सवारी पर सवार हुई, अब मामला बिल्कुल चेंज हो गया। और क्या चेंज हुआ कि पहले ये था कि सवारी पीछे पीछे थी और काफ़िला आगे आगे, अब नबी पाक इस्लाम को मक्के से इन्होंने बिठा लिया अपनी सवारी पर, और उसके बाद जब ये चल पड़ी हैं अपने जो कबीला था, अपना जो भी उनका गांव था, जो भी विलेज था, उस जाने जो चल पड़ी, तो अब मामला ये हुआ कि इनकी सवारी सब ख़वातीन से और सारे काफ़िले में सबसे आगे आगे चलना शुरू हो जाती है। पहले पीछे पीछे थी और अब कहाँ जा रही है, आगे आगे। अच्छा, अब जो साथी इनकी ख़वातीन थी, क्योंकि और भी कुछ ख़वातीन भी काफ़िले में शामिल थी, उन ख़वातीन ने जब देखा कि इनकी सवारी तो हमसे आगे आगे जा रही है, पहले ही इनकी सवारी पीछे पीछे थी और अब ये गई वहाँ से आई हैं तो सवारी इनकी जो है वो आगे आगे जा रही। तो वो जो औरतें थीं, जो ख़वातीन थीं, वो उनसे कहने लगी कि क्या ये वही सवारी नहीं जिस पर तुम सवार होकर मक्के आई थी? भाई आते वक्त तो तुम बड़ी पीछे पीछे थी और अब जब जा रही हो तो सबसे आगे आगे, तो ये क्या माजरा है? तो बाज़ रिवायतों के अंदर ये मिलता है कि वो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, वो एक मफहूमी अंदाज़ में और बयान करने के अंदाज़ में उलमाए कराम ने जो लिखा किताबों के अंदर, मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो उन्होंने जो जवाब दिया उसका ख़ुलासा और मफहूम ये बनता है कि हाँ, बात यही है कि पहले सवारी मेरी कमज़ोर थी और मैं पीछे पीछे रह जाया करती थी, अब भी सवारी वही है, सवारी नहीं बदली है, लेकिन अब सवार बदल गया है। अब यहाँ बच्चा ऐसा बरकतों वाला सवार हो गया है कि सवारी मेरी वही है, लेकिन इस बच्चे की बरकत से अल्लाह पाक ने मेरी सवारी को एक नई ताकत और एक नई जान अता फरमा दी है। तो कैसी पावर आई उसके अंदर, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था। और फिर जो है वो उन्होंने वो बच्चे को लेकर वो अपने कबीले जब पहुँच गई, अपने जो गाँव था जब वहाँ पहुँच गई, तो रिवायतों में आता है कि उस वक़्त वहाँ पर कहत पड़ा हुआ था, खाने पीने की चीज़ों की कमी थी, लोग बड़े परेशान थे, जो खाने पीने की अशिया होती है ना, चीज़ें होती हैं, उनकी कमी हुई भी थी। अब कहत का ज़माना था, लेकिन इस कहत के टाइम में भी हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बकरियां जब चरने जाती, बकरियां होती हैं ना, वो घास खाने जाती हैं, तो उनको बोलते हैं घास चरने जाती, ये गई हैं। अब वो बकरियाँ घास चरने के लिए जाती हैं, तो अब दीगर लोगों की बकरियाँ जा रही हैं, वो खाली पेट आ रही हैं, लेकिन जब हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरियां जा रही हैं तो वो खूब पेट भर कर आ रही हैं। अब ज़ाहिर है वो जब खा पी रही हैं तो वो मोटी ताज़ी भी हो रही हैं। तो अब जो दीगर लोग थे उन्होंने कहा कि भाई चेक करो कि इनकी बकरियां कहाँ जाती हैं, हमारी बकरियां तो जाती हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं, और वो तो ना मोटी हो रही हैं, ना ताज़ी हो रही हैं, ना दूध आ रहा है, हम तो परेशान हैं, और इनकी बकरियां जो हैं वो तो जा रही हैं खा पी कर, फरबा होकर, मोटी होकर वापस आ रही हैं, तो इसकी क्या वजह है? लिहाजा वहीं जहाँ पर इनकी बकरियां चरने जाती हैं अपनी बकरियां भी वहीं पर भेज दिया करो, ताकि वो बरकतें जो इनकी बकरियों को मिल रही हैं वही बरकतें हमारी बकरियों को भी नसीब होना शुरू हो जाएँ। तो ये मौजज़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वबारक वसल्लम का कि बचपन में ही आपके मौजज़ात का ज़ुहूर हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर यही सिलसिला आगे चलता रहा और कायनात नबी पाक अलैहिस्सलाम के नूर से आज भी मुनव्वर है। अल्लाह पाक हम सबको भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का इश्क़ अता फरमाए। प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज़। प्यारे आका की जिंदगी जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़। इस सेगमेंट में हमारे साथ दो बच्चे हमेशा ही होते हैं। आज भी हमारे साथ दो बच्चे हैं, एक तो कितमीर रज़ा अत्तारी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और एक और कौन है, अपना नाम बताएंगे आप? फ़हद अत्तारी। फ़हद अत्तारी, फ़हद भाई और कितमीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनके जानिब बढ़ते हैं और कुछ प्यारी प्यारी बातें इनके पास भी हैं, देखते हैं कि ये हमें क्या सुना रहे हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम सुनते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें। और प्यारे बच्चों, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक आदत के बारे में सुनेंगे वो है मुसाफहा करना, यानी मुलाकात के वक्त हाथ मिलाना। जी हाँ प्यारे बच्चों, मुलाकात करते वक्त आपस में हाथ मिलाना भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और मुबारक आदत थी। और प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी आपस में मिलते तो मुसाफहा करते, यानी हाथ मिलाते। जैसा कि एक हदीस पाक में है कि हज़रत अब्दुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ किया कि मुसाफहा यानी हाथ मिलाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में राइज था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया। हाँ प्यारे बच्चों, आपस में हाथ मिलाने का एक फ़ायदा यह है कि इसकी बरकत से कीना यानी दिल की दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। जैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से मुसाफा करो यानी हाथ मिलाओ, इससे कीना जाता रहता है। हाथ मिलाने का एक फ़ायदा यह है कि इस वक्त दुआ कबूल होती है और हाथ मिलाने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यमन के लोगों ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाने का शरफ़ हासिल किया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो मुसाफहा करना क्या है? सुन्नत है। प्यारे बच्चों, मुसाफहा करना क्या है? सुन्नत है। मुसाफहा किसको बोलते हैं? हैंडशेक, जिसको हम लोग हैंडशेक बोलते हैं ना, हाथ मिलाना, एक दूसरे से हाथ मिलाना, इसको बोलते हैं मुसाफहा करना। अच्छा, बाज़ बच्चे जो है ना मुसाफहा दुरुस्त नहीं करते हैं, तो मुसाफहा भी जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। पूरा हाथ जो है वो मिलाना चाहिए। बाज़ सिर्फ उंगलियों से उंगलियां मिला लेते हैं, ठीक है, ये भी तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। बाज़ यूँ सिर्फ हाथ मार लेते हैं एक दूसरे को, ये भी तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। बाज़ यूँ है ना यूँ करके मार लेते हैं, ये भी जो अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। तो मुसाफहा ये करना चाहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत मुबारक है। और जब मुसाफहा करें तो हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए कि पहले हम सलाम करें। हैं, इसकी क्या बरकतें होंगी कि जो सलाम पहले करता है उसको सवाब भी ज़्यादा मिलता है। तो हमें तो ज़्यादा सवाब हासिल करना है ना। तो जब आप किसी से मुसाफा करें तो कोशिश करें कि सलाम भी आप पहले कर लें। और जब बंदा मुसाफा करे और उसके साथ साथ रिवायतों में ये भी आता है कि दुरूद पाक भी पढ़ ले। मुसाफा किया, सलाम किया, तो दुरूद पाक भी बंदा पढ़ ले। तो हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक दोनों के अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो कितनी प्यारी फजीलत है। इसलिए मुसाफा करना भी चाहिए और मुसाफा जो है वो जो करे उसको कोशिश करनी चाहिए कि सलाम भी वो पहले करे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अल्फाज मोती जवाब। अल्फाज मोती हैं और जवाब क्या है? तो आइए बढ़ते हैं अपनी इस प्यारी सी एक्टिविटी की जानिब। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है अल्फाज मोती जवाब। अल्फाज मोती कौन से हैं और जवाब आपने अनमोल बनाना है, वो कैसे बनाना है? सेगमेंट का फॉर्मेट ये है कि आप यहाँ पर आपको दो बोर्ड्स नजर आ रहे हैं। एक है वाइट बोर्ड और एक बोर्ड वो है जिसमें लिखे हुए कुछ अल्फाज। अल्फाज हैं मोती। अल्फाज क्या हैं? अब आपने इन मोतियों को जोड़ना है और एक खूबसूरत सा जुमला बनाना है और वो जुमला आपने वाइट बोर्ड के ऊपर लिख देना है, ठीक है। आपको ये पेन हम देंगे और आपने इसके साथ वहाँ पर जाकर लिखना है। और ऐसा करते हैं कि जो मेरे सीधे जानिब बच्चे बैठे हैं इनको करते हैं टीम ए, और जो लेफ़्ट साइड पर बच्चे बैठे हैं इनको क्या करते हैं? टीम बी, ठीक है। तो सीधे हाथ से शुरू करना चाहिए। हम भी टीम ए की तरफ बढ़ते हैं। टीम ए वालों, कौन कौन से बच्चे आएंगे? चलें, आपके पास माइक है, आप ही सबसे पहले आ जाएँ। सबसे पहले नाम बताएँ अपना। मोहम्मद हाशिर। मोहम्मद हाशिर। हाशिर भाई फॉर्मेट समझ लिया आपने? कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें, माइक मुझे दें सीधे हाथ से और ये लें सीधे हाथ से। उसके बाद आप पहुंचेंगे वाइट बोर्ड के पास और फिर आपने एक जुमला इस वाइट बोर्ड के ऊपर लिखना है, ठीक है। चलें, आशिर भाई पहुंच गए हैं वाइट बोर्ड के पास, देखते हैं कि ये हमें अल्फाज जो हैं वो मोतियों को जोड़ जोड़ कर क्या खूबसूरत सा जुमला देते हैं। जी टीमें वालों क्या लगता है कर लेंगे? टीम में से और किसने हाथ उठाया था? चलें आपकी भी बारी आती है इंशाल्लाह, लेकिन टीम बी की तरफ इसके बाद जाएंगे और देखते हैं टीम बी से हमें कौन सा बच्चा कौन सा जुमला जोड़ कर देता है। हाशिर भाई लिख रहे हैं, टाइम भी हो गया है तो हम काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और हाशिर भाई ने एक जुमला मुकम्मल कर लिया है। हाशिर भाई यहाँ पर आएंगे आप ज़रा इस तरफ, और ये क्या लिखा है आपकी टीम के किसी बच्चे से सुनते हैं कि आपने क्या लिखा है, ठीक है? जी टीमें की तरफ बढ़ते हैं और आप तशरीफ़ लाइएगा ज़रा आगे, और ये माइक लें। तो आप ये बताएं कि आपकी जो टीम मेंबर हैं उन्होंने क्या लिखा है? पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। तो जवाब तो वैसे आपने दुरुस्त दिया है, लेकिन एक गलती आपने की है, वो क्या की है आप बताएं ज़रा माइक पर। मैं की, मैं नहीं लिखा। क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा आपने? मैं, लफ्ज मैं। पानी 3 सांस, ये देखें, पानी 3 सांस में पीना चाहिए। बहरहाल आपने जो लिखा है वो बस एक लफ्ज़ की ही उसमें मिस्टेक थी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। लेकिन आपको ऐसे नहीं बैठने देंगे, पहले ये बताएं कि यहाँ पर ये लफ्ज़ कहाँ लिखा हुआ है? पानी 3 सांस, ये कहाँ लिखा हुआ है दिखाएं ज़रा। पानी 3 सांस, ठीक है, मैं पीना चाहिए। जी हाँ, पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। जब भी पानी पिए तो 3 सांसों में पिए, एक घूंट के अंदर जो है वो फौरन पी लेना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। आप अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। बढ़ेंगे टीम बी की जानिब और टीम बी से एक और बच्चे को बुलाते हैं। तो टीम बी से कौन कौन से बच्चे आएंगे? चलें आप आए, आपके पास माइक भी मौजूद है, आप तशरीफ लाएंगे। सबसे पहले नाम बताएं अपना। मोहम्मद बहजाद। मोहम्मद बहजाद, बहजाद भी कर लेंगे। तो जैसे तरीक़ेकार ये था, इन्होंने किया था, इसी तरह करना है, ठीक है? बड़ा आसान तरीक़ेकार है। माइक आप मुझे देंगे और ये आप ले लें, उसी के नीचे लिख लें, वो जुमला भी लिखा रहेगा जो बच्चे में जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया, वो वाला जुमला भी देख लेंगे। चलें आप पहुँचें वहाँ पर, जो लिखा हुआ है इसी के नीचे से आप लिखना स्टार्ट कर लें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहजाद भाई ने लिखना शुरू कर दिया है। जी टीम बी वालों सपोर्ट कर रहे हैं आप अपने टीम मेंबर को? कर लेंगे ये, टीम ए वालों ने तो कर लिया है, उम्मीद है कि टीम बी वाले भी कर ही लेंगे इंशाअल्लाह। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मुख्तसरी वक्त होता है। तो आइए मिल कर देते हैं। 10, 9, 8। अरे माशाल्लाह, लिख लिया है बहजाद भाई ने। बहजाद भी आप इस तरफ आएँगे, थोड़ा सा इस तरफ आएँ, और आपके ही एक टीम मेंबर हैं, उनसे हम सुनते हैं क्या है। आप ज़रा आगे आएंगे और आप ये बताएं कि इन्होंने क्या लिखा है। इस तरफ आएँ थोड़ा सा। जी अब आप बताएंगे कि ये क्या लिखा है। खाना काबा मक्का शरीफ में है। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खाना काबा मक्का शरीफ में। आप बैठेंगे बेटा अपनी जगह पर, और आप यहाँ पर जो आपने यहाँ से अल्फाज लिए हैं वो कहाँ से ये अल्फाज लिए हैं, ज़रा ये आप हमें यहाँ पर निशानदेही कर दें, ताकि हमें जो किड्स मदनी चैनल पर देख रहे हैं वो बच्चे भी थोड़ा सा इसकी तरफ पहुँचने की कोशिश करें। खाना, ठीक है, काबा मक्का शरीफ में है। जनाब आपका जवाब दुरुस्त है, अपनी जगह पर आप तशरीफ़ रखेंगे माशाल्लाह। तो ये था प्यारे प्यारे बच्चों हमारा आज का प्रोग्राम। बच्चों ने कुछ लिखा है और लिखने की कोशिश किया है, बाज़ औक़ात चूँकि बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा राइटिंग के हवाले से इशू आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ हमने सीखा है अल्लाह पाक उस पर हमें अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए, आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें आपने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सीखी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी नॉलेज में खूब इजाफा हुआ होगा। अल्लाह पाक से हम ये भी दुआ करते हैं कि जो कुछ हमने सीखा है सुना है अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक भी अता फ़रमाए, उसे याद रखने और उसे दूसरे तक पहुँचाने की तौफीक भी अता फ़रमाए, आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घड़ी हमें बता रही है कि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया